जमशेदपुर के पासोडी के मकदमपुर का मुंशी मोहल्ला बना टापू, स्थिति हुई बद से बदतर, पानी में डूबे कई घर, जीवन अस्त व्यस्त, प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल। जमशेदपुर के पसोडी मकदमपुर मुंशी मोहल्ले की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। क्षेत्र में इतनी भयावह हो गई है कि बारिश का मौसम आते ही यह क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। नाले का पानी घरों में घुस जाता है, जिससे लोगों के घर का सामान बर्बाद हो जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। पिछले 18 दिनों से पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, मगर आश्वासन से समाधान आज तक नहीं निकला है। खुद जिले के उपायुक्त ने पिछले दिनों क्षेत्र का दौरा किया था और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया था, मगर स्थिति में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। भाजपा नेता कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि जल निकासी का रास्ता रेलवे की जमीन पर है। रेल प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर उसे साफ करवाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया पिछले कई वर्षों से यह समस्या जस की तस बरकरार है, पर किसी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं। जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, धरातल पर कुछ भी उतरता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में संकट के बादल छाए हुए हैं। लोग अपने दिनचर्या का कार्य नहीं कर सकते हैं, बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, मवेशियों की मौत हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग जाए तो जाए कहां। वहीं रविवार सुबह से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की पहल से रेलवे द्वारा दो पानी मोटर लाकर घरों में घुसे पानी निकालने की तैयारी की जा रही है। यहाँ कोई भी देखिए पानी निकालने का काम जिसको दिया है वो भी अपना चार पांच मोटर था वो भी लेके चल गया है। विधायक आया, आपका डीसी आया, मैम आई है, उसके बाद मुखिया जी आया। मुखिया लोग का इतना फंड मिलता है, यहाँ कोई निगाह ही नहीं है। यहाँ कितना तकलीफ में पब्लिक जी रहा है, आप आके एक बार देखिए। आगे बगले अभी अब की बार जब वोट मांगने आएगा जो भी नेता उसको कटोरा पकड़ाएंगे हम लोग। यहाँ का पब्लिक कटोरा पकड़ाएगा उसको। आप वोट मांगने वोट बैंक इसका यहाँ खत्म करना है एकदम। जो भी नेता आएगा यहाँ का वोट बैंक खत्म कर देंगे। जब यहाँ निदान ही नहीं है तो यहाँ वोट मांगने का किस कारण से आएगा वो। कम से कम 16 से 17 दिन 18 दिन होने जा रहा है। देखिए यहाँ कोई निदान नहीं है, कोई निदान नहीं है, विकराल रूप है। आदमी को कहीं भोजन नहीं है, कोई भुखमरी है, किसी का खाने का ठिकाना नहीं है, पानी का ठिकाना नहीं है, कैसे जी रहा है आदमी उसको मालूम है। जो जी रहा है था तकलीफ में उससे पूछिए कि कितना तकलीफ में है। हम लोग घर का पानी कमर तक पानी घुसा हुआ है, निकलने यहाँ कौन कुत्ता बेहुदा बोल दिया कि यहाँ पानी निकल गया है। यहाँ आए तो बेशरम उसको कटोरा पकड़ाएंगे हम लोग। सला पंकज सिन्हा सला कटोरा पकड़ाएंगे उसको। हम खुला ओपन बोल रहे हैं, मेरा जो करना करो। सला यहाँ आओ तो पहले तुमको नहीं कटोरा पकड़ा दिया तो फिर बोलना आए आपकी बार। जो भी विधायक आएगा उसको नहीं कटोरा पकड़ा दिया तो मेरा गुलामी कर देगा, मुँह छोड़वा के घूमेंगे। नहीं कटोरा पकड़ा दिए तो आने तो आने दीजिए पहले उसको। देख लीजिए विकराल रूम, आप अपने से देखिए कि कितना विकराल घर गिर गया है। दो दो तीन दिन तो घर गिरा हुआ है। ये लोग कैसे जी रहा है ये लोग से पूछिए, कितना तकलीफ में। भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, पानी का कोई ठिकाना नहीं है। कल सवेरा होगा कि नहीं होगा, कितना बच्चा बीमार से मर रहा है, बीमारी से कितना बच्चा तकलीफ में है। नाम है मेरा संतोष दुबे। सही है कि हम लोग बस्ती के अंदर में आज 18वां दिन होने जा रहा है, कोई देख रेख नहीं हुआ था, पर हम लोगों ने अपने प्रयास से DRM वगैरह को बोले हैं तो उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया है और पूरे रेलवे महकमा को बोल करके आज उन्होंने निर्णय लिया है कि 2-3 दिन में उसको क्लियर किया है और सारा साधन हम लोग के समाधान कुछ नहीं किया है। लोग जो काम असली प्रयास होना चाहिए वो काम नहीं किया है, लेकिन जो छोटा मोटा जो प्रयास है बस उतने करके वो लोग हाथ खड़ा करके कर चुके थे वही काम आके किए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि संसद का भी सहयोग हमको मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है। जो दिए हुए हैं फिर वो जिसको का गाड़ी वगैरह मंगवाए थे जैसी डीजल को बोल के दिलवाए, लेकिन वो भी लास्ट में वो भी न जाने क्यों नाराज हो गए कि क्या हो गया पता नहीं है। हाँ वो भी कि जब बड़ा मुंडी काम नहीं कर पा रहा है, जो हायर अथॉरिटी है जो रेल का अंदर में कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ब्लीचिंग दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, इतनी किया और क्या किया, लेकिन उन लोग को भी उपस्थित रहना चाहिए था। जनता को अपने हाल में छोड़ दिया गया। अखबार में झूठा खबर छपवा दे रहा है और प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है, रेल को भी गुमराह कर रहा है। जो काम करने चाह रहा है वो लोग को गुमराह किया जा रहा है पत्रकार प्रेस द्वारा। खाली फोटो खिंचाओ और जाओ बस, पब्लिक का समाधान खाली फोटो छपना चाहिए।
अब पब्लिक को अपने हाल पे छोड़ दिए गए, तो हम लोग अपना स्तर से जितना बन पा रहा किए और हम लोग को सकारात्मक पहल मिला है। रेल का अधिकारी आए थे जांच में, हम लोग तुरंत एक्शन में आए हैं। बोल अब आशा लगता है कि इसका हल निकल सकता है रेल प्रशासन से। अमरेश कुमार श्रीवास्तव। कोई पार्टी ब्रेड केला दो चार दिन दिया और दो चार दिन खाना उना दिया, उसका बाद का भी कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तो यहाँ के कुछ नहीं किया मुखिया, तो अभी नहीं करता है, एक दिन आके देख के चले गया, उसका बाद फिर दोबारा आगे नहीं करता। क्या कोई निदान नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो होने का था वो दिख रहा है, जिसका गुजर रहा है उसको मालूम है, जिसको जो सुख सुविधा से है उसको क्या होगा, जिसका यहाँ तकलीफ में है, पानी निकालेगा जिसका घर टूटा हुआ उसको देगा, खाने पीने का देगा, घर पैसा थोड़ी देगा, घर तो टूटे गया है, खाने पीने का भी कुछ व्यवस्था कर देगा तो अच्छा ही है, बीमारी तो हो रहा है, दवा हुआ सब दे रहा है, दवा में तो पूरा अंदर रूम के अंदर घुसा हुआ, हमारा बच्चा एक हफ्ता से बीमार है और कोई डीसी आके भी कोई फायदा नहीं हुआ हम लोग का, और इसमें पूरा हम लोग तैर रहे हैं, बच्चा को इतना मतलब उल्टी लैटरिन हो रहा है कि क्या बोले, हम लोग समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कई दिनों से ऐसा है, क्या बोले हम, ये कम से कम 17-18 दिन हो गया, कुछ कोई कुछ नहीं कर रहे हैं लोग, ना मुखिया कर रहे हैं, ना विधायक कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर चले जाते। मेरा नाम अनिता देवी। इधर खबर पर सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अफरोज मल्लिक के पास, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफरोज बताएं क्या है मखदुमपुर के ताजा हालात। जी आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ 22 जून से आज 9 जुलाई तक मखदमपुर पंचायत में पूरी घर पे रेलवे के नाला पे पानी पूरी भर के ही पूरे कीड़े मकोड़े सब घर पे घुसे हुए हैं। यहाँ पर सांसद के द्वारा सफाई भी कराया जा रहा है, पानी निकासी कराया जा रहा है रेलवे के द्वारा। यहाँ पर विधायक जो है जुगसलाय विधानसभा के पड़ते हैं, जिनका नाम है मंगल कालीन जी, यहाँ के पार्षद है, यहाँ के जो मुखिया है कालीदास टूडू, ये सब सिर्फ आके सांत्वना देते गए हैं। गरीब जनता जो है आज तक भोग ही रहे हैं, किसी तरीका का ना यहाँ पर कोई कुछ बांट रहे थे, दो तीन तीन दिन आके सिर्फ केला पाव रोटी ये सब दिए हैं, आज कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। अफरोज जी जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरा इलाका जल जमाव से त्रस्त है, आखिर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन क्या कर रही है। जी पूरे आते गए यहाँ पर, सब मिलते गए, सांत्वना देते गए, जल्द इनका संभावना होगा, सब इनका निकासी पानी का जल्द कराया जाएगा, लेकिन आज किसी तरीका का किसी ने नहीं आया। आज सामने आए हैं यहाँ के सांसद विदित वरण महतो, वो रेलवे अधिकारी से बात करके आज दो पंप लगा के किसी तरह से धीरे धीरे पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। अफरोज जी जैसा कि बताया जा रहा है क्षेत्र से होकर रेलवे के ड्रेनेज गुजरते हैं, क्या रेलवे इसकी साफ सफाई नहीं करती। जी कई सालों से बंद पड़ी है वो नाला जो रेल का ही है, उसको कई दिनों कई सालों से बंद पड़ी है, जिसके वजह से आज साल बरसात होती है, जिसके वजह से धीरे धीरे पानी घर पे घुसती थी, इस साल भारी संभावना में एकदम घुस गई है, जो अभी लगातार बारिश बाकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज जी आपका, नजर बनाए रखें इस खबर पर, ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।